बड़ा अफसोस है कि अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता आज तक जो है मौके पे नहीं गया है, और जितना जो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था, मार्केट बंद पड़ी है और व्यापारी जो हैं बगैर काम के इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी ये बीजेपी में है अपना जो है सतीश यादव, तो ये बताएं कि ये क्या काम करवाया इन लोगों ने। तो ये लोग केवल जो है आलोचना करते हैं। मैं और ये कह रहा कि भी जो है मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बारे में कहता है कि भी जो है प्रॉपर्टी अर्जित करी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके पास था क्या? उसके पास जो है आज करोड़ों की संपत्ति कहाँ से होगी? तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले जो शीशे के महल में रहते हैं उनको दूसरे घर में पत्थर डालना चाहिए। उनकी जो नाराजगी है वाजिब है, क्योंकि जो महकमा मिला है राव इंद्रजीत को, 6 दफ़ा यहाँ से जो है संसद चुने गए हैं, और महकमा राज्य मंत्री का, और वो महकमा भी ऐसा दिया है जिसको लोग को जानते भी नहीं है, तो क्या करेंगे? सड़कों का महकमा होता, स्वास्थ्य का महकमा होता, शिक्षा का महकमा होता। अब जो पहली दफ़ा बने थे आपके खट्टर साहब, वो कैबिनेट में ले लिए। भूपेंद्र यादव पहली दफ़ा बना लोकसभा में, उनको ले लिया कैबिनेट में, चिराग पासवान को ले लिया। तो आप देखिए ये इन बातों से तो फर्क तो पड़ता ही है ना, तो उनकी साख पे जो है फर्क पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी की पंजाबी मार्केट में दो दुकानों के धसने के बाद व्यापारियों से मिलने पहुंचे भाजपा नेता रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पर आरोप लगाए तो अगले ही दिन यानी मंगलवार को कैप्टन ने भी पलटवार कर दिया। मीडिया कर्मी ने कैप्टन से राव की नाराजगी का सवाल किया तो कैप्टन राव के घाव पर भी नमक डालने का काम कर गए। वहीं राव की बेटी आरती क्या कांग्रेस में शामिल हो रही है, इस पर भी कैप्टन ने जवाब दिया। कौन सही है कौन गलत इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगले 3 महीनों में आरोपों का यह सिलसिला और जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार। तो आज मेरी डिप्टी कमिश्नर राहुल हुड्डा जी से बातचीत हुई है। पंजाबी मार्केट में जो दो दुकानें धसी हैं, मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें पब्लिक हेल्थ का अधिकारी हो और कमेटी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, और उसका मुआयना करें। और चिरंजीव जी मौके पे गए थे, अभी उन्होंने टेलीफोन से भी जिस व्यक्ति का दुकानों का नुकसान हुआ है उनसे कहा है कि एप्लीकेशन उन्हें दें, ताकि वो कल क्यों चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ जाकर जो है कोई जो मदद हो सकती है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। और बड़ा अफसोस है कि अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता आज तक जो है मौके पे नहीं गया है, और जितना जो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था, मार्केट बंद पड़ी है और व्यापारी जो हैं बगैर काम के इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ नहीं, बस ड्रामा है, ये केवल एक ड्रामा है। और अभी मैं जो है सतीश यादव का मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहा है कि जब कैप्टन अजय सिंह मंत्री थे 2407 करोड़ रुपए आए थे, तो वो पूरे जिले के लिए आए थे, केवल रेवाड़ी के लिए आए थे। और मेरे समय में हमने यूनिवर्सिटी बनवाई यहाँ पर, लड़कियों कॉलेज बनवाया, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया खरखड़ा में, गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई आपका खरखड़ा में, मेरे गांव में आपके कितने, ये नेहरू पार्क है आपका, रजामला पार्क है, मिनी सेक्रेटेट है, जुडिशियल कम्प्लेक्स है। तो अभी ये बीजेपी में है अपना जो है सतीश यादव, तो ये बताए कि ये क्या काम करवाया इन लोगों ने। तो ये लोग केवल जो है आलोचना करते हैं। मैं और ये कह रहा कि भी जो है मैं
मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बारे में कहता है कि भी जो है प्रॉपर्टी अर्जित करी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके पास था क्या? उसके पास जो है आज करोड़ों की संपत्ति कहाँ से होगी? तो दूसरे पे आरोप लगाने से पहले जो तो शीशे के महल में रहते हैं उनको दूसरे घर में पत्थर डालना चाहिए। नेलो का देखिए जितनी भी ये पार्टी हैं, चाहे बीएसपी हो चाहे नेलो है, लोग बाग समझ चुके हैं। और हरियाणा में अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे तो 70 पार जाएगा, चाहे किसी का गठबंधन हो जाए। इस बार ये पक्का है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। राव समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं कि केंद्र को खत्म हो गया, केंद्र परिवर्तन साथ में। उनकी जो नाराजगी है वाजिब है, क्योंकि जो महकमा मिला है राव इंद्रजीत को, 6 दफ़ा यहाँ से जो है संसद चुने गए हैं, और महकमा राज्य मंत्री का, और वो महकमा भी ऐसा दिया है जिसको लोग को जानते भी नहीं है, तो क्या करेंगे? सड़कों का महकमा होता, स्वास्थ्य का महकमा होता, शिक्षा का महकमा होता। अब जो पहली दफ़ा बने थे आपके खट्टर साहब, वो कैबिनेट में ले लिए। भूपेंद्र यादव पहली दफा बना लोकसभा में, उनको ले लिया कैबिनेट में, चिराग पासवान को ले लिया। तो आप देखिए ये इन बातों से तो फर्क तो पड़ता ही है ना, तो उनकी साख पे जो है फर्क पड़ा है। हैं जल्दी कह रहे हैं कि आप फिर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, अब आप फिर जल्दी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पता नहीं भाई कौन कहाँ ज्वाइन करे, कांग्रेस में तो कोई आ सकता है, हम तो ना तो छोड़ने वाले हैं, हमने तो यहीं रहना है। हमारी तरफ से कोई पार्टी में आए, पार्टी से बाहर जाए, हमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं।